बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दी थी बना के पर उखाड़ की। पर उखाड़ के बाद हमारे इतने इतने पर हो चुके हैं, ये देखिए। और माशाल्लाह कबूतर हमारे तैयार होने पे गर्दन की कुरीज रह गई है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि पर उखाड़ के बाद कबूतर उठाने के लिए किस तरह का हमें पानी देना पड़ेगा कि जिससे हमारे कबूतर सही चलें। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि किस तरह आपको पानी देना है। हेलो दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ सैयद शबी अख्तर उर्फ राजू फाइटर। आज मैं आपको दिखाऊंगा, आज खेल की शुरुआत हो रही जा रही है माशाल्लाह। आप लोग दुआ करिए कि हमारा ये चैनल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमारे जो 7 सब्सक्राइबर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उड़ान से पहले एक तो हमें ये देना है गुड़। ये गुड़ है, मेरे पास तकरीबन 80 कबूतर हैं। 80 कबूतरों के लिए ये गुड़ बहुत है। ज़्यादा गुड़ नहीं देना, इतना ही देना गुड़। और दोस्तों, ये वो चीज़ है जो कबूतरों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। एक बच्चों का सिर्फ है, इसका नाम भी पढ़ लीजिए। ये नाम है इसका जिंटर। और ये गुड़ है, पहले हम गुड़ को इसमें अच्छी तरह मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से अच्छी तरह हम गुड़ को मिला लेंगे। ये गुड़ हमारा पिस चुका है, उसके बाद हम पानी में इसको घोल देंगे। अच्छी तरह हम इसको पानी में घोल दे रहे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि उड़ान से पहले हम ये क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कबूतर को कोई परेशानी ना हो। कबूतर आपका दाना ज़्यादा नहीं खाए, कबूतर आपका जीने मचलाए, कबूतर किसी तरह से कबूतर के अंदर कोई कमी नहीं रह जाए, इसीलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को देते हैं। उनके कीड़े साफ करेंगे, उसके बाद हम दूसरा खेल देंगे। इसी तरह से हम हर 10 दिन में आपको एक नया खेल देंगे और हर मौसम के हिसाब से। तो हम इसमें सिर्फ आधी शीशी मिला देंगे। ये हमने आधी शीशी इसमें मिला दी है। कबूतरों को दाना देने के बाद देना है ये पानी, और इंशाल्लाह दूसरे दिन कीड़े निकल जाएंगे। कीड़े निकलने के बाद कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। कई जगह दोस्तों हमने देखा है कि कबूतरों के लिए सबसे पहले कबूतर के अंदरूनी चीज़ जो है, जो नुकसान देने वाली है, उसे निकालना पड़ता है, उसके बाद खेल पानी शुरू होता है। तो दोस्तों, हमने जो ये पानी बनाया था, तो ये कबूतर पीने के लिए तैयार हैं और ये कबूतर सब पी रहे हैं। ये 80 कबूतरों का पानी था दोस्तों, और पी के इसे इंशाल्लाह कल तक इनके कीड़े, पेट के कीड़े साफ हो जाएंगे। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के अंदर पेट में कीड़े होते हैं तो इंसान ही परेशान होता है, कभी दस्त आते हैं, कभी जी मचलाता, कभी कहीं जाने आने का जी नहीं करता, अजीब सी हालत रहती है। इसीलिए ऐसे ही इन कबूतरों की भी ऐसी हालत रहती है। तो इस वजह से सबसे पहले कीड़ों का सफाया होना चाहिए, उसके बाद आदमी खेल पानी लगाए। खुदा हाफिज़।